हमने अब कोई चीज नहीं छोड़ी, मोर देन 75 डिशेस यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कंप्लीट मेन्यू है बच्चों के लिए, बड़ा जबरदस्त मुझे लगा, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ। दिल चाह रहा है कि जुमेरा बीच जाऊँ मैं, लेकिन पैसे नहीं है आपके पास, बहुत महंगा लग रहा है। यहाँ आ जाए, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब। आज मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्लॉक टावर द फूड बाजार में। और आज हम यहाँ पे अंदर जाएंगे और यहाँ के सारा मेन्यू आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ का मेन्यू काफ़ी सारा चेंज हो गया और तकरीबन 70-75 डिशेज़ हैं यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़ और कॉन्टीनेंटल तमाम खाने, और ख़ास बात बच्चों के लिए भी मेन्यू है। क्योंकि जब बंदा जाता है कि खाना खाने बाहर, तो बच्चों को साथ लेके जाता है, तो सोचता है यार बच्चों के लिए क्या मंगाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी खास मेन्यू। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर खाने का कैसा इंतज़ाम है। एम्बियांस तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले हैं। आ जाएं, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं क्लॉक टावर के ऑनर वहीद शेख साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि मेन्यू में क्या तब्दीली की है, क्या लोगों के लिए और वैरायटी लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए, क्लॉक टावर ऑब्वियसली लोग आज ज़रूर आते हैं, यहाँ पर मशहूर भी है बहुत, तो अब क्या चेंजेस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और वैरायटी क्या चीज़ें आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह ने इस कदर इज़्ज़त दी है इसको क्लॉक टावर को, कि एक बेंचमार्क बन चुका है शहर का। इसमें वालदैन की दुआएं हैं, भाइयों की मेहनत है, तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। और हमने जो यहाँ पे बुफे मेन्यू चेंज किया है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द ओपनिंग, जो कि हमने इस मेन्यू को चेंज किया है, जिसमें हमने किड्स सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है, कॉन्टिनेंटल को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, और देसी को भी काफ़ी हमने अपग्रेड किया गया है। सो टोटल मिला के कोई 13-14 डिशेज़ हैं जिनको हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी और हम भी ऐसे फील कर रहे थे कि ऑब्वियसली एक ही मेन्यू चलता आ रहा था। सो इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने इसको दोबारा चेंज करना है। हमने अब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मोर देन 75 डिशेज़ यहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बारबेक्यू, आपका किड सेक्शन से लेकर एक एक चीज़ यहाँ मौजूद है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर कोई बर्थडे पार्टी करना चाहता है या अगर शादी की तकरीब करना चाहता है वलीमा टाइप, कितने लोगों को मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल भी है या नहीं? क्लॉक टावर एट अ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 पीपल की कैपेसिटी है। आप 1000 बंदा अगर आप अला कार्ट सेक्शन और बफे सेक्शन को ले लें, तो मोर देन 1200 पीपल की कैपेसिटी है। बफे सेक्शन मोर देन 700 हम एट अ टाइम कवर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेडिंग्स भी होती हैं, एंगेजमेंट्स भी हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी हैं, एंड वी डू नॉट चार्ज फॉर द प्लेस। जो भी आपको कहता है कि यू चार्ज फॉर द प्लेस, वी ओनली चार्ज फॉर द मेन्यू फॉर द बुफे, एंड उनको भी हम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्रायोरिटी के तौर पे देते हैं। जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, हम उनको बजाते ख़ुद, चाहे वो हमारे जानने वाले ना भी हों, हम प्रेफर करते हैं कि एक 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 बाप की ख्वाहिश होती है कि अच्छी बेटी की कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो हमारा वो जानने वाला होता भी नहीं है, बट हम उसको अपनी खुशी के तौर पे एक हैवी डिस्काउंट दे देते हैं, ताकि वो अपनी बेटी का बर्थडे, बेटे का बर्थडे, व्हाटसोएवर अपना इवेंट एंजॉय कर सके यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट मेन्यू है बच्चों के लिए, ताकि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो यहाँ पर अपना मेन्यू एंजॉय कर सकते हैं। ख़ास तौर पर दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पर प्लेट्स तक इतनी अट्रैक्टिव रखी हैं कि बच्चे खाएं, इसी शौक में खाएं कि चले यार इस प्लेट में खाऊंगा मैं, या इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सक्लूसिव किड्स मेन्यू। आप क्लॉक टावर का एम्बियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है, इनका डेकोर बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल चीज़ें जगह होती है, ऐसे ही फील होता है जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हो। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, कराची भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो बिल्कुल बीच साइड पर है, समंदर के ऊपर है, और बहुत ज़बरदस्त एटमोसफियर है, बड़ा अच्छा यहाँ पर सर्विस भी है। अभी तक तो मैंने आधा खाया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आधा और जाके बूफे खाऊँ, क्योंकि बड़ा खाना भी बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये चलेगा रेस्टोरेंट। क्लॉक टावर मशहूर है सी व्यू के ऊपर, तो लोगों को मैं ये कहूँगा ज़रूर आइए और यहाँ का एटमॉस्फेयर एंजॉय कीजिए। तो बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने ये क्लॉक टावर के हवाले से ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। पहले विलेज होटल था, तो इससे पहले मैं आया हूँ, लेकिन आज इनके जो है ना मेन्यू में कुछ इजाफा हुआ है और कुछ हमने चखा भी है, माशा बड़ा ज़बरदस्त है।
और हमें तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में हम आइंदा सब दोस्तों को या फैमिलीज़ को भी ये कहेंगे कि प्लीज़ आप एक मरतबा आके देख लें, आपको इंतज़ाम भी अच्छा लगेगा, आपको होस्टिंग भी अच्छी लगेगी, आपको खाने भी अच्छे लगेंगे। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और आज भी फैमिली के साथ आने का मौका मिला है। स्पेशली इसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है क्योंकि आप समंदर के सामने दुनिया भर में जब भी जाके एक एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं, उसके साथ टेस्ट बहुत मैटर करता है किसी भी रेस्टोरेंट में। वेरी लेजर टू बी हियर बिकॉज़ यू नो बिकॉज़ या द एनवायरनमेंट द एटमॉस्फेयर यू नो द एंबियंस हियर सो यू नो यू कैन आइदर ईट इनसाइड और यू कैन ईट आउटडोर You know they have everything and also the selection of foods are amazing. अगर आपके पास आपको दिल चाह रहा है कि जुमेरा बीच जाऊं मैं, लेकिन पैसे नहीं हैं आपके पास, बहुत महंगा लग रहा है, यहाँ आ जाए। जुमेरा जैसा तो माहौल नहीं है, लेकिन ये बात है इससे बेहतरीन जो कराची में जो जितने एम्बियंस हैं बेहतरीन और बीच आपको मिलेगा खाना और वो भी टेस्टी ज़बरदस्त। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूँ जाने से पहले कि यहाँ पर आउटडोर सेटअप भी है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आपको इंडोर नहीं बैठना तो आप यहाँ पर आउटडोर बैठ सकते हैं, खुली फिज़ा में बैठ सकते हैं क्योंकि सामने बिल्कुल समंदर है और बाहर बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी पार्टीज़ भी हो रही हैं और इस वक्त यहाँ पर एक पार्टी भी बर्थडे पार्टी भी हो रही है, तो अगर आप यहाँ पर बर्थडे पार्टी भी करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आगे बर्थडे पार्टी कर सकते हैं या शादी की कोई तकरीब कर सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इसी के साथ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और तमाम देखने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर क्लॉक टावर एक दफ़ा आएँ और यहाँ पर आके यहाँ का खाना एंजॉय करें, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी शाम गुजारें। इसी के साथ मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।